हेलो एवरीवन, तो आज हम सीबीएसई क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो ये आपका जो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें किस चीज़ से किस चीज़ के साथ डील करना है, ठीक है, और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए इस चैप्टर को का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो केमिस्ट्री होता है वो होता क्या है। केमिस्ट्री डील्स विथ द कम्पोजिशन, ठीक है। अब आप कंपोजिशन का मतलब समझिए कि कंपोजिशन होता क्या है। कंपोजिशन होता है आपका क्रिएशन फॉर्मेशन, ठीक है, यानी किस कैसे वो क्रिएट हुआ है, किस तरह से वो फॉर्म हुआ है, ये होता है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। और क्या होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हम बोल सकते हैं, केमिस्ट्री हमारा जो है इसमें स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका किस चीज़ का स्ट्रक्चर, तो वो आपका एटम्स का हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, ठीक है, यानी किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर हो सकता है। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। आपको यहाँ पर तीन चीज़ आपको केमिस्ट्री में डील करनी होती है, तीन ही चीज़ नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें डील करनी होती है। जो आपका इसमें तीन मेन पर्पस होता है इसके डील करने का, वो है आपका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आप इन तीनों के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं। दिस एस्पेक्ट्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, और ये जो एस्पेक्ट्स हैं इन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। मैटर के कुछ बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स के कुछ टर्म्स होते हैं जिनसे आप, जैसे कि आपका एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, इससे क्या करते हैं आप बड़ी बड़ी लेवल तक के चीज़ों को आप समझते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। इसलिए आपका जो हम जैसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो लाइफ होता है वो आपका सेल है, जिसे आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, उसी तरह जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो केमिस्ट्री होता है वो हमारा एटम्स होता है। हालांकि एटम्स जो होता है वो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यानी लेकिन माना जाता है आपका जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो हमारा केमिस्ट्री होता है वो एटम्स होता है, और मॉलिक्यूल्स एटम्स के ही साथ हमें कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसा आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये आपके जो बाएं तरफ है वो है एटम्स, और जो आपके दाहिने तरफ दिख रहा है वो है आपका मॉलिक्यूल्स। एक तरफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसने क्या किया, कंबाइन करके ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इसने क्या बना लिया, ऑक्सीजन, और उसने तीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन बना लिया, जिसको आप O3 बोलते हो, ठीक है। और ये जो ओजोन है वो आपको पता है कि सन से रेडिएशन आती है, वो उससे निकलती है। तो दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसलिए हम केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं इस केमिस्ट्री में, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि आपको केमिस्ट्री होता क्या है। कैन वी सी वेट एंड प्रिसीव दिज एंटिटीज, और केमिस्ट्री में आप जो आपका कुछ कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है, कोई मॉलिक्यूल्स है, उसके आप वेट को भी जानते हैं कि उस किसी भी पार्टिकुलर जो आपका एटम्स है उसका वेट कितना है, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल टू काउंट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको लास्ट में पूछा गया है कि जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं, तो नहीं भैया, आप कैसे भी किसी भी कर लो, कोई भी जितनी जान लगाना उतना लगा लो, आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो इतने हद तक छोटे होते हैं कि उसको आप आँख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसको बहुत ही माइक्रो लेवल पर उसको देखा जा सकता है, जैसे माइक्रो लेवल का आप जो मेज़रमेंट करोगे तो वो आपका कुछ होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया पिकोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है, ये सब छोटे छोटे जो आपको जो एटम्स होते हैं उसको देखने के काम आते हैं, ठीक है, जो आपका नेकेड आई से विजिबल नहीं है। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इसी से रिलेटेड हमको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सब कुछ जानना है। तो जल्दी मिलूँगा आपके साथ लेक्चर 2 के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।